हाय गाइज, वेलकम बैक टू ट्रैवलोकॉर्न। दिस इज़ अनदर वीडियो जहाँ पे मैं बैठ के सिर्फ आपको जितना भी मुझे पता है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको बताऊँगी, एंड आई विल ट्राई एज मच एज आई कैन टू हेल्प यू आउट कि जब ये क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए तो आप लोग भी जाके अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, बजट में ट्रैवल कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बजट ट्रैवलिंग एंड टिप्स ऑन हाउ टू ट्रैवल इन बजट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आप एक कॉपी और पेन ले लो, बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से मैंने सोचा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एवरी काइंड ऑफ बजट ट्रैवल, मतलब एकदम ही बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, एंड कुछ लोग जो थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कम करते हैं बट स्टिल दे वॉन्टेड टू बी बजट, और कुछ लोग जो कम्फर्टेबल बट बजट चाहते हैं। सो इट्स लाइक थ्री टायर्स ऑफ ट्रैवलिंग, लाइक बजट ट्रैवलिंग। तो मैं उसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो गेट सम कॉफ़ी और टी एंड enjoy this video. I hope you like it. आपको पता है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट सब कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि आप एक्चुअली उस जगह तक पहुँचोगे कैसे। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन इज स्लीपर ट्रेन। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो एसी में ना जाके, आप स्लीपर ट्रेन में जाना कंफर्टेबल एक प्रेफर करते हो, आप कंफर्टेबल हो उसमें, तो डेफिनेटली यूज़ दैट, बिकॉज वो चीपेस्ट है। अगर आप बसेस भी लोगे तो बसेस लाइक स्लीपर वाली वो सस्ती मिलेंगी, बट जो एसी बसेस होंगी या एसी ट्रेन्स होंगी वो थोड़ी महंगी होंगी ऑब्वियसली। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, मतलब आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज़ है बसेस। बसेस आर वेरी गुड। अगर आप लोकल, जैसे आप एक जगह पहुँच गए उसके अंदर आपको ट्रैवल करना है, तो बसेस आर द बेस्ट ऑप्शन उस पर। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हो तो ट्रेन्स वुड बी मोर कम्फर्टेबल एज फार लाइक जितना मैं बता सकती हूँ। इनफैक्ट स्लीपर ट्रेन्स आर कम्फर्टेबल, विंडो ओपन होती है, हवा तो आती रहती है। द ओनली प्रॉब्लम इज द क्राउड, सो इफ यू कैन मैनेज दैट, बेस्ट ऑप्शन इज ट्रेन्स। अगली चीज़ एक और है कि अगर आप बहुत लंबी जर्नी के लिए नहीं जा रहे हो, तो व्हाट यू कैन आल्सो डू इज हिच हाइकिंग। जैसे हिच हाइकिंग उतना इंडिया में मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, पर बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी है। एंड जैसे हिच हाइकिंग इज़ बेसिकली लिफ्ट लेना, लिफ्ट लेके आप जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सेफ़ है कि नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट्स क्वेश्चंस। सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स एंड इन द हैंड्स ऑफ जो आपको लिफ्ट दे रहा है, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो होना होता है वो वैसे भी हो जाता है, सो टेक योर प्रिकॉशंस एंड डू। मैं वैसे एक हाउ टू ट्रैवल सोलो सेफली के एक वीडियो भी बनाऊंगी इन कमिंग डेज। बट ट्रांसपोर्टेशन में ये दो चीज़ें हमेशा याद रख ना, कि अगर आपको फ्री में करना ही करना, लाइक इफ़ यू आर वेरी लाइक कि नहीं मुझे पैसे बचाने हैं, हिच हाइकिंग करो। टाइम लगता है उसमें थोड़ा, बट पैसे नहीं लगते हैं। सेकेंड चीज़ इज़ अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब इतना नहीं करना चाहते, यू हैव सम मनी, गो फॉर लोकल बसेस। और एक और ऑप्शन है कि आप साइकिल या स्कूटी रेंट कर सकते हो, बट दैट डिपेंड। साइकिल अगर रेंट करोगे तो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, लाइक 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ ऐसे। पर अगर आप स्कूटी रेंट करोगे तो वो आपको 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगी, डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में ले रहे हो। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर, मतलब आपके पास अगर टाइम है तो आप साइकिल ले लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर टाइम नहीं है तो स्कूटी ले लो, और इन द एंड बसेस का तो ऑप्शन है ही। सो आप काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था, तो आई जस्ट स्विच्ड माय प्लेस। आई नो यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बट आई होप यू कैन फोकस ऑन द कॉन्टेंट मोर। तो अब हम ट्रांसपोर्टेशन करके वहाँ पे पहुँच गए, तो वहाँ पहुँच गए तो मेन चीज़ है कि अब हम रहेंगे कहाँ। तो इसमें भी तीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आप बिल्कुल फ्री में रहना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग एक ऐप है जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ता है, यू कैन सर्च वेरियस होस्ट। उसमें आप बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ऑफर करते हैं कि आप मेरे पास आके रह सकते हो, बट उसमें बस एक दिक्कत है कि ये श्योरिटी नहीं होती कि आपको सोफ़ा मिलेगा सोने के लिए, या आपको नीचे सोना पड़ेगा, या आपको बेड मिलेगा। जनरली बेड या सोफ़ा या समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है, बट जस्ट इन केस। ऑल्सो अगर आपको फिर भी है कि आपको नहीं, आपको बजट में करना है बट आप थोड़े पैसे लगा सकते हो, तो दैट इज़ द सेकेंड टायर। उसमें आप ये कर सकते हो, यू कैन स्टे इन बजट हॉस्टल्स। आई नो हॉस्टल्स एक खुद में काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, बट हॉस्टल्स में भी वैरायटी होती है। जैसे हॉस्टल है, ये सब है, ये सब थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो उनका प्राइस थोड़ा सा हायर होता है। जो नाउ अब जो लोकल हॉस्टल्स होते हैं उनका प्राइजेस 100 रुपये से भी आपको मिल सकता है, लाइक 100 से स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक गोवा में इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹50 or ₹60, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप एटलीस्ट इंडिया में हो तो आपको 100, 200,
300 में आराम से काफ़ी हॉस्टल्स मिल जाएंगे। एंड आप booking.com पे जाके उनकी सर्विसेज चेक कर सकते हो कि उनकी किसके अच्छे किसके नहीं अच्छे उसमें से भी, एंड यू कैन स्टे देयर अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड टायर, कि आप बजट भी चाहते हो पर आप चाहते हो कि आपको जो एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी अच्छा हो, तो यू कैन गो फॉर अ हायर रेंज ऑफ हॉस्टल्स या फिर होम स्टेज भी। आपको होम स्टेज भी मिल जाएंगे 500 के अराउंड में, हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे 500 के अराउंड में, तो आपका स्टे उसमें हो जाएगा। इसके बाद आता है खाना। अब खाने पे मेरा सबसे ज़्यादा पैसा मेरे जो है खाने पे जाते थे पहले, बट मैंने एक रास्ता निकाला कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा अगर मुझे फुल टाइम ट्रैवल करना है। हाँ, तो खाने के ऊपर बात आती है, तो खाने में व्हाट यू कैन डू, इसमें भी आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। अगर आपको पैसे नहीं लगाने हैं तो यू कैन गो फॉर भंडारा, या गुरुद्वारा वगैरह में काफ़ी मतलब खाने मिलते रहते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। मतलब दोपहर और रात के तो मिलते ही हैं मोस्टली जगह पर ये आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एवरी थिंग। एंड सेकेंड चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू कैन लाइक द बेस्ट थिंग इज़ टू गो फॉर लोकल फूड, क्योंकि गुरुद्वारा वगैरह में भी आप रोज़ रोज़ जाके नहीं खा सकते हो। समटाइम्स लाइक अगर आप 3 दिन के लिए हो तो आपने एक दिन खा लिया वहाँ पे और एक दिन मान लो कहीं और खा लिया, बट एक दिन आई definitely suggest you to go and explore the local market जहाँ पे local food मिलता हो, because अगर आप जब तक एक जगह के local food को try नहीं करोगे ना, you would never come to know a place मतलब अच्छे से। तो हर जगह का खाना ही काफ़ी important होता है उसके culture के बारे में बताने के लिए, it's like a very important role, like it plays a very important role। सो आप लोकल मार्केट में जाओ, लोकल खाओ, बहुत ज़्यादा मिलता है आपको केले, जो छोटे छोटे वैन्स लगे होते हैं या छोटे छोटे जो लोकल शॉप्स होते हैं, ढाबा होता है, यू कैन ऑलवेज गेट चीप फूड एंड गुड क्वालिटी फूड देयर, गुड क्वालिटी फूड एवरीवेयर लाइक इन सारी जगहों पर। बट अगर आप यू आर लाइक वेरी स्केप्टिकल अबाउट योर फूड टू बी हाइजीनिक एंड एवरी थिंग, देन यू कैन गो टू फेमस रेस्टोरेंट्स या जो भी मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। If you want to travel in budget, go for local food. And अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही दिमाग में रख के फॉलो करोगे ना, लाइक आई प्रोमिस यू कि आपका 2000 से ऊपर नहीं जाएगा अगर आप एटलीस्ट लाइक 3 दिन का ट्रिप। आई वेंट टू ऋषिकेश इन लाइक 1200 रुपीज़, मैं दिल्ली से ऋषिकेश गई एंड आई स्टेड देयर फॉर 3 days, बट लाइक 1200 दैट वॉज इट, मतलब आना जाना रहना खाना सब मिला के। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्री में, अगर आप सोचते हो ना कि ट्रैवल ब्लॉगर्स इतना ट्रैवल करते कैसे हैं, वी काउच सर्फ, वी हिच हाइक, वी ईट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, दैट्स हाउ वी सेव इट एंड दैट्स हाउ वी ट्रैवल। सो दैट तो मैंने आपको बता दिया तीन टायर्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कैसे। अगर आप थर्ड टायर से हो, अगर आपको बिल्कुल ही फ्री में ट्रैवल करना है, तो यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू बी ब्रेव एंड यू हैव टू हैव टाइम। You can do hitchhiking and you can stay with the couchsurfing host, you can eat at Bhandaras or even at the couchsurfing place जहाँ पे आप रह रहे हो, उनको आप कन्विंस करके वहाँ भी खा सकते हो। Now second tier जहाँ पे आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो, that is cheaper hostels, local food and bicycles or public transport। Now the third thing और द फर्स्ट टायर, मतलब जो सबसे ज़्यादा बजट ट्रैवलिंग में जो सबसे ज़्यादा आपके पैसे लगाएगा, एंड दैट टू ज़्यादा नहीं, दिन भर के आई थिंक मे बी मैक्सिमम 700 to 800, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बट डिपेंड करता है अगर आप बहुत अच्छी जगह खाना चले गए तो 1000 तक भी जा सकते हैं। सो द फर्स्ट टायर में आता है कि बेटर हॉस्टल्स, बेटर लाइक बेटर ढाबाज एंड ट्रैवलिंग के लिए स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब भाई स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप चाहो तो आप काफ़ी ट्रैवल कर सकते हो अगर आप पॉइंट्स को फॉलो करो। आई नो एट टाइम्स काफ़ी हार्ड हो जाता है बिकॉज हिच हाइकिंग करने के लिए आपको खड़े होकर लिफ्ट मांगनी पड़ती है, देते नहीं है लोग, एंड इन द एंड लाइक यू हैव टू वॉक अलॉट एंड इट हर्ट्स, लाइक दिक्कत होती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मेरे पैसे बच जाए, तो आई एम जनरली द सेकेंड, मतलब मैं सेकेंड टायर में से हूँ कि कम कंफर्ट रहे चलेगा, बट थोड़ा कंफर्ट रहना चाहिए बिकॉज आई नीड टू स्लीप एट अ प्लेस जहाँ पे मैं सेफली सो सकते हैं। हॉस्टल्स आर अ गुड पॉइंट, मतलब मुझे हॉस्टल्स पसंद भी हैं। खाने के लिए आई प्रेफर द गुरुद्वारा वन बिकॉज मेरे खाने में काफ़ी पैसे जाते हैं, आई गो देयर एंड आई एम लाइक ऑल ओवर देयर, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो गुरुद्वारा वाला ऑप्शन मैं काफ़ी करती हूँ। मैं अभी रिसेंटली गोकर्णा में भी मैंने वैसे ही खाना खाया था, एंड
Hitchhiking is also a good option. I do hitchhike sometimes, but generally I prefer renting a scooty or a bicycle because that way I am free on my own. Main jahan man chahe ja sakti hu and I can explore a place better. So I am kind of a mixture of the three. So, baki you see, agar aapko ye video pasand aayi ho, beneficial lagi ho, and if you want me to make any more talkative videos jahan pe main apna experience aapse share karti hu and help karti hu aapko travel karne mein, let me know, comment niche kar do. I'll definitely make a video on that. वैसे भी क्वारंटाइन में सब फ्री बैठे हैं. तो लेट मी नो इफ यू लाइक दैट एंड इफ यू डिड यू नो व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल दैट. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.